सब्सक्राइब करें लाइट साउंड ट्रिक्स को और बेल आइकन का दबाएं मोर अपडेट्स पाने के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सारपी लाइट पे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और डीमैक्स 512 पे। तो इस पर मैं प्रोग्रामिंग करके आपको बताऊंगा। तो इस पर प्रोग्रामिंग और एक एलईडी भी आप लगाकर इस पर प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। एलईडी सारपी दोनों साथ चला सकते हैं और इस पर एलईडी का भी प्रोग्राम सेव कर सकते हैं और लाइट का भी। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मेरा डीएमएक्स ऑन हो चुका है और पहले अपन को जाना है पेज सिलेक्टर पे। उसके बाद इसको 10 नंबर को उठाना है। लैंप इस पर होता है, इस पर लैंप उठाएंगे पहले अपन। इसको 8 नंबर को ऑन करेंगे, उसके बाद अपन को धीरे धीरे 3 नंबर को उठाना है ताकि अपना लैंप उठ सके। तो दोस्तों इसको उठाएंगे, उसके बाद सारपी का लैंप उठ जाएगा, मेरा भी उठ चुका है, और इसको डाउन कर देंगे। और फिर 3 नंबर में आप देख सकते हैं कि जैसा कि लैंप उठ चुका है मेरे सारपी का। तो दोस्तों सारपी आ चुकी है और इस पर अपन प्रोग्रामिंग बनाएंगे। तो दोस्तों अपन पहले प्रोग्राम बनाएंगे सारपी एक जगह खड़ी होने का। तो अगर आपकी सारपी ट्रस पे लगी हुई है तो आप एक जगह खड़ी कर सकते हैं सारपी को। यदि कहीं फ्लोर है आप उस पर सारपी खड़ी करना चाहते हैं, एक जगह स्थिर करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो पहले प्रोग्रामिंग में मैं यही बताऊँगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इसको अप डाउन करके एक जगह स्थिर करूँगा सारपी को। तो मैं अभी इसको 10, जैसा कि मैं बताया था आपको पिछली वीडियो में 10 नंबर पे लेफ्ट राइट का डाला हुआ, तो मैं इसको अभी लेफ्ट राइट करके एक जगह पर स्थिर करूँगा। और आपको बताया था 12 नंबर पे अप डाउन डाला था मैंने, जैसा कि मैं अपने पायलट पर ये लाइट सेटिंग करूँगा। अभी आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर इसको भी मैं इस पर पायलट पे सेट कर चुका हूँ और आप देखते हैं अब इसको प्रोग्राम करने के लिए। तो पहले प्रोग्राम को ब्लिंक कराएंगे। तो प्रोग्राम को ब्लिंक कराने के लिए पहले अपन को इस पर प्रोग्राम को पकड़ने रहेंगे और इसको आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी लाइट जल रही है अभी। और अब जाएंगे अपन इसको ऐड करने के लिए। तो ऐड करेंगे पहले इसको मिनी ऐड को क्लिक करेंगे इसको और एक नंबर दबा देंगे। तो ये एक नंबर पे हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब उसके बाद जाएंगे अपन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक नंबर पे मेरा प्रोग्राम ऐड हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। अब मैं इसकी मूविंग हटा दूंगा। अभी पायलट पे मैं ये लाइट अभी सेट किया था। अब अपन को अगर गोबो वगैरह बनाना है, इस पर कलर डाल के अपन फ्लोर पर मार सकते हैं या पब्लिक पर मार सकते हैं। तो उस पर पब्लिक या कहीं स्टेज पे मार सकते हैं। तो गोबो मैं भी इस पे डालूंगा। तो 5 और 6 पे मेरा गोबो डाला हुआ था। एक मिनट पेज सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद गोबो डाल देता हूँ। तो गोबो को मैं अप कर दूँगा थोड़ा सा ताकि वीडियो में दिखे, शो करे। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं उसके बारे में अभी आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूं। और इस पर मैं अभी कलर डाल दूंगा। तो कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इस पर येलो डाल देता हूं। तो अभी अपन को इसको ऐड करना है। तो अपन प्रोग्रामिंग की ब्लिंक कर रहे हैं इस पर बटन और इसको मिनी ऐड कर देंगे। इसको मिनी ऐड पर क्लिक करेंगे पहले। मिनी ऐड पे क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पे मैं इसको डाल देता हूँ। तो सेकंड नंबर पे ये प्रोग्राम डल चुका है दोस्तों। और प्रोग्राम डालने के बाद दोस्तों ये ब्लिंक करेगा, ये पूरी लाइट ब्लिंक होगी अपने आप। तो दोस्तों अभी मैं इस पर ब्लिंक डाल चुका हूँ। अभी इसका सर्कल वगैरह डाल चुका हूँ, उस पर गोबो अभी मैंने डाला था इस पर। अब मैं इसको कलर हटा दूँगा और अब मैं डालूँगा ऑटो इस पर डालूँगा। अभी 14 नंबर पर ऑटो था, अब इसका प्रोग्रामिंग मैं इस पर डालूँगा। तो ऑटो का मैं इस पर डाल दिया। ये मिनी ऐड को फिर से क्लिक करना है और ये लाइट पूरी ब्लिंकिंग होगी। तो देख सकते हैं आप, मिनी ऐड पे मैंने क्लिक किया और इसको 3 नंबर पे डालूंगा। 3 नंबर के भी ये ब्लिंक हुआ। तो ये पूरा ब्लिंक होगा मिक्सर अब जब ये ऐड होगा। उसके बाद मैं इसको डाउन कर दूँगा। अगर आप ऑटो मूविंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लिपिंग। क्लिपिंग आपको करवानी हो तो क्लिपिंग आप करवा सकते हैं। तो पेज सेलेक्ट कर में जाएंगे, आपको 2 नंबर पर जाना है, उसके बाद क्लिपिंग करवाना है। अब क्लिपिंग हो गया। अगर आप नॉर्मली फोकस चाहते हैं तो 9 नंबर पे फोकस रहता है, तो फोकस हो जाता है, उससे उसका लेंस बाहर निकल आता है और फोकस हो जाता है।
तो दोस्तों आप फोकस पे डाल सकते हैं। नॉर्मली मैं अभी फोकस हटाऊंगा क्योंकि क्लिपिंग है, तो इस पे अभी पेज सिलेक्टर पे जाएंगे अपन, इसको मूविंग कर देंगे 9 नंबर 14 नंबर। तो दोस्तों आप इस पे, मैं अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों ये क्लिपिंग का प्रोग्राम अभी मैं 4th नंबर पे सेट करूँगा। मिनी ऐड के बाद आपको 4th नंबर क्लिक कर देना है, उसके बाद मैं अभी डाउन कर दूंगा इसको। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम आप बनाऊंगा मैं, अगर कहीं सेट करना है आपकी मिनर बॉल हो गई या फिर कहीं गोबो हो गया, कहीं फोकस देना है, ऑटो फोकस देना है, तो आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग जितनी मैंने बनाई है वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि LED पे रनिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो उस पर अगर आपको तिरंगा जैसा कलर बनाना है या कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाना है तो आप उस पर बना सकते हैं। तो दोस्तों उसका प्रोग्राम मैं बनाने आपको बताऊंगा पायलट पे, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं इस पर अपन को प्रोग्राम दिखाता हूँ, प्रोग्राम जितने मैंने बनाए थे। तो अपन को प्रोग्रामिंग की बिलिंग करवानी है। प्रोग्रामिंग की बिलिंग करवाने के बाद 1 नंबर, अभी मैंने लाइट वापस से बंद की थी तो अभी मैं लाइट इसकी उठाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं जितने भी प्रोग्राम बनाए मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने पायलट पे ये SRP सेटिंग की थी, पायलट पे इधर पे अभी मैंने प्रोग्राम एक बनाया था, तो अभी मैं अभी पायलट पे इधर बनाऊंगा। तो ये पहले प्रोग्राम में मैंने इधर पे SRP लगाना बताया था, तो पहले इसमें 1 नंबर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 नंबर पे मैंने जो बनाया था वो आकर पायलट पे आ गई है SRP, और देख सकते हैं कि जैसा कि SRP मेरी आ चुकी है पायलट पे। और 2 नंबर पे मैंने बनाया था कलर गोबो, और 3 नंबर पे ऑटो मूविंग बनाया था जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से मैं दिखा देता हूँ, 1st नंबर पे पायलट पे बनाया था, 2nd नंबर पे गोबो बनाया था, और 3rd नंबर पे ऑटो मूविंग बनाई थी मैंने। और 4th नंबर पे क्लिपिंग वाला बनाया था। ऐसा आप भी बना सकते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और मैं लाइक और शेयर ज़रूर कर दे ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारियाँ आप तक ला सकूं और पहुँचा सकूं। शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों, और कमेंट में बताएं कि क्या मुझे नहीं समझ में आया या फिर आपको क्या अच्छा लगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर में बताएं और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो मैं जल्दी लॉन्च करूँगा प्रोग्रामिंग और रनिंग की। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल बिजी हूँ बेस पे, बेस का उस पर प्रोग्राम डालूँगा अभी। और दोस्तों